दो सन्यासी थे, जापान की घटना है। गुरु बूढ़ा था और शिष्य अभी जवान। दोनों पूरे जापान में घूमते रहते, परमात्मा के गीत गाते, उन्हें याद करते और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते। बरसात का समय नज़दीक था। नियम अनुसार 8 महीने घूमने के बाद बरसात के 4 महीने उन्हें अपनी कुटिया में ही गुजारने पड़ते थे। बौद्ध परम्परा में भी यही होता है। बौद्ध भिक्षु 8 महीने तो घूम घूम कर लोगों को दीक्षित करते हैं, लेकिन बरसात का समय आते ही उन्हें एक निश्चित ठिकाने पर पूरी बरसात के दौरान रुकना पड़ता है। शायद इसीलिए बौद्ध विहारों की स्थापना का प्रारंभ किया गया था, ताकि बरसात के मौसम में बौद्ध भिक्षुक वहां ठहर सकें। तो वो दोनों अपनी कुटिया की तरफ वापस लौटे। एक घने जंगल में झील के किनारे उनकी एक छोटी सी कुटिया थी। जब दोनों कुटिया के पास पहुँचे तो देखा कि उनकी कुटिया का आधा छप्पर कुटिया से गायब है और इधर उधर बिखरा पड़ा है। केवल आधा छप्पर ही रह गया था। छोटी सी कुटिया थी, उसमें भी आधा छप्पर अब था नहीं। कल रात जो आंधी आई थी वही उनका आधा छप्पर उड़ा ले गई थी। बरसात सर पे थी, कुटिया भी जंगल में है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था। यह सब देख वह जवान शिष्य क्रोध से चिल्लाते हुए बोला, इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि इस परमात्मा की पूजा पाठ ध्यान आदि करने का कोई फायदा नहीं है। ये सब कुछ उसी का किया कराया है। पापियों के महल सुरक्षित हैं और हम फकीरों की छोटी सी कुटिया थी उसे भी छीन लिया। कोई मतलब नहीं इस निर्दयी परमात्मा के सामने रोज रोज झुकने का। शिष्य गुस्से में ये सब बड़बड़ा ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र अपने गुरु पर पड़ी। वो बड़े आनंद भाव से अपने घुटनों पर बैठकर आकाश के तरफ सर उठाए, हाथ जोड़े भगवान को धन्यवाद किए जा रहा था। उसकी आंखों से परम संतोष के आंसू बह रहे थे और वो गुनगुनाते हुए आकाश की तरफ देखकर कह रहा था कि हे परमात्मा, सब तेरी ही कृपा है, तूने ही रोका होगा, वरना आंधी का क्या भरोसा, वो तो पूरा छप्पर ही उड़ा ले जाती। जरूर तूने ही उसे बीच में रोका होगा और आधा छप्पर बचा लिया होगा। आंधी का क्या, वो तो बड़ी निर्दयी है, पर तू बड़ा दयालु है जो तूने कम से कम आधा छप्पर तो बचा रखा है। यह सब देख उस शिष्य को अपने गुरु पर बहुत क्रोध आया। फिर वो दोनों अंदर गए। देखने में तो लग रहा है कि दोनों एक ही कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में दोनों अलग अलग कुटिया में प्रवेश कर रहे थे। दो भिन्न तरह के लोग, एक संतुष्ट हैं और दूसरा असंतुष्ट। दोनों के लिए स्थिति एक ही है, लेकिन दोनों के भाव अलग अलग हैं। एक के लिए कुटिया आधी टूटी हुई है तो दूसरे के लिए आधी बची हुई। उस रात दोनों सोए, लेकिन जो शिष्य था वो तो रात सो ही ना सका। पूरी रात करवटे बदलता रहा। उसे इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि पता नहीं बारिश कब आ जाए। हालांकि बारिश अभी तक आई नहीं थी, लेकिन वो उसे लेकर चिंतित और परेशान है। वह सोच रहा है नींद नहीं आ रही, लेकिन नींद आ भी कैसे सकती है, यह कोई सोने की जगह है। यह सब सोच सोच कर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लेकिन गुरु उस रात बड़ी गहरी नींद सोया। जब सुबह 4 बजे उसकी आंखें खुली तो आधे टूटे हुए झोपड़े में से उसे आसमान में चांद चमकता हुआ दिखाई दिया। उस पर उसने एक कविता लिखी जिसका मतलब था कि कितना सुंदर यह नज़ारा है। अगर हमें पहले से पता होता कि आधी झोपड़ी होने से सो भी सकते हैं और तेरे बनाए इस सुंदर चांद को देख भी सकते हैं, तो हम तेरी आंधी को इतना कष्ट भी ना देते कि वो आधा छप्पड़ उड़ाकर ले जाए, हम खुद ही गिरा देते। लेकिन हम ठहरे मूर्ख जो इतने सालों से इस सुंदर दृश्य से दूर रहे। कितना नज़दीक था ये चांद, कितना नज़दीक था ये आकाश, लेकिन हमने इससे खुद को छुपा के रखा। हमें मालूम नहीं था, इसलिए हमें माफ़ कर देना, वरना तेरी आंधी की ज़रूरत ना पड़ती, हम खुद ही गिरा देते। केवल संतोषी व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, जो ऐसी परिस्थिति में भी गीत गा सकता है, गुनगुना सकता है, कविताएं लिख सकता है। ऐसे संतोषी व्यक्ति से भला कोई क्या छीन सकता है, जो ऐसे गीत गा सकता है, मजबूरी में नहीं, असहाय अवस्था में नहीं, क्योंकि ये तो कमज़ोरों, बुजदिलों और नपुंसकों का काम है, जो सब कुछ खो जाने के बाद फिर संतोषी होने का दिखावा करते हैं। काश अगर वो पहले से ही संतोषी हो जाते तो कोई उनका कुछ ना छीन पाता, क्योंकि एक संतोषी से आप क्या छीन सकते हैं। आप उनका बाहरी सामान छीन सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उनका कुछ भी नहीं छीन पाएंगे। वह वहीं रहेगा जहां वो पहले था, क्योंकि उसकी संपदा तो भीतर है जिसे कोई छीन ही नहीं सकता। सब कुछ हमारे नज़रिए का खेल है कि हम हमारे साथ होने वाली घटनाओं को कैसे देखते हैं। अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक है तो हम अच्छी से अच्छी परिस्थिति में भी कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देंगे, लेकिन अगर दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया सकारात्मक है
तो इंसान खराब से खराब परिस्थिति में भी अपने लिए सकारात्मक खोज कर निकाल ही लेता है। और एक सकारात्मक नजरिए वाला इंसान हर परिस्थिति में खुश और आशा से परिपूर्ण होता है। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि मैं ये नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, बल्कि मैं इस बात पर ध्यान देता हूँ कि भविष्य में क्या किया जा सकता है। आप लोगों ने भी कई बार ध्यान दिया होगा कि जब हम लगातार अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं तो हमारे साथ कई अच्छी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं और भविष्य के प्रति अच्छी आशाओं से भरे होते हैं, तब हमारा ध्यान किसी भी चीज़ की समस्या से हटकर उसकी संभावनाओं की तरफ चला जाता है। और जब संभावनाओं पर कार्य किया जाता है तो उसके परिणाम सकारात्मक और हमारी उम्मीदों के अनुरूप ही होते हैं। अगर आप लोगों को सकारात्मक सोच की ताकत को महसूस करना है तो आज से एक महीने के लिए आप अपनी सारी समस्याओं को एक संभावना, एक मौके की तरह देखना शुरू कर दें। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आपके मन ने कई सालों से उसे एक समस्या समझा है। इसलिए जैसे ही आप अपनी अचेतन अवस्था में आएंगे, आपका मन फिर से उन्हें एक समस्या की तरह देखेगा। लेकिन आपको लगातार खुद को याद दिलाना है कि यह कोई समस्या नहीं, बल्कि इसमें मेरे लिए एक संभावना छुपी है। अगर आप सच में 30 दिनों तक इस अभ्यास को करने में सफल हो पाए तो 30 दिनों बाद आप पाएंगे कि इस दुनिया को देखने का आपका नज़रिया एकदम बदल चुका है। सच ही कहा है किसी ने कि सोच बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।